ये पहली बार दही चूड़ा हम लोग नहीं खा रहे हैं, पहले भी हम लोग आते रहे हैं और ये लोग हमारे यहाँ आते रहे हैं। थोड़ी कमी जो है लालू जी की खली है और हम लोगों को न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिलेगा और हम सबों के बीच आएंगे। और देखिए, सबसे पहले बिहार के जितने भी लोग हैं, देश के जितने भी लोग हैं, उनको मकर संक्रांति के अवसर पर हम सब ओ के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मकर संक्रांति जो है नए वर्ष के तौर पे देखा जाता है, तो सभी के जीवन में खुशहाली आए, लोग तरक्की करें, बिहार हमारा आगे बढ़े, ये हम लोगों की कामना है। किशनगंज से यात्रा, नहीं नहीं हम तो देखे कल गया भी गए, जहाँ भी हमारी जरूरत होगी हम वहाँ जाएंगे। जब किशनगंज आप लोग नाम लेते हो तो आप लोग जो है उस नजरिए को कहीं ना कहीं से उस हिसाब से देखते। कल तो हम गए थे तो उस पर तो कोई सवाल नहीं पूछा गया लोगों ने। देखिए, पर्पस ये है, ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, एक बात हम लोगों को समझना पड़ेगा, खास तौर पे जो दलित लोग हैं, जो फुटपाथ पे जो लोग रहने वाले हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, या बाढ़ पीड़ित जितने हैं जिनका घर डूब गया, वो डॉक्यूमेंटेशंस कहाँ से लाएंगे। सवाल मेरा तीन चीज़ है कि अगर नागरिकता साबित करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट, अब तक तो यही चलता आ रहा है कि आपको पासपोर्ट अगर है तो नागरिकता आपको, तो अगर पासपोर्ट अगर आप नागरिकता आप दिखा के साबित नहीं कर सकते तो भारत के पासपोर्ट के ऊपर भारत गणराज्य क्यों लिखा हुआ। दूसरी बात, अगर आप देखिएगा आधार कोई पैमाना नहीं है तो आपने बैंक खातों से उसको लिंक क्यों किया। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग, वोटर आईडी अगर पैमाना नहीं है तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे हैं। ये सवाल जो है इसका जवाब तो देना पड़ेगा। अब मेरा वोटर आईडी, मान लो मेरा वोटर आईडी जो है उसमें नाम ठीक से नहीं है, फोटो किसी और का है, ये तो मेरा प्रॉब्लम। जो गरीबों का जिसमें नाम ठीक से नहीं है, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं मिला, वो 1971 के पहले का डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे। ये बात जो है समझना पड़ेगा।